अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। ऐसे बनाते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है ये और बहुत ही मज़े की है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सूजी की ही बनी हुई है बर्फ़ी। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। और वीडियो देखने से पहले हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मज़े मज़े की हमारे जो चैनल पर वीडियोज़ हैं वो उनको इन्जॉय करें। रेसिपी स्टार्ट करने के से पहले हम ये पहले पैन रखेंगे, और पैन में हम ये सूजी 1 कप जो है, ये देखिए 1 कप है ये, इसकी मेजरमेंट जो है आप नोट कर लें। 1 कप मैंने ये डाल दिया है और मैं 2 कप का ये बना रही हूँ, ठीक है। ये 2 कप हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा जो है ना इसको भून लेंगे। इसको इतना भूनना है कि इसको कलर नहीं आए, सिर्फ इसकी जो है ना कच्चापन, थोड़ा सा हम जो है ना उसके लिए इसको भून रहे हैं कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और 5 मिनट इसको हम भूनेंगे सिर्फ, और बिल्कुल स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे है ना, कि बस इसको हल्का हल्की सी इसको बस हीट लग जाए। और ये 5 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है, ये देखिए इसका हमने कलर चेंज नहीं होने दिया। और इसको हम बस इसको निकाल लेंगे, बस ये हल्की सी जो वो गर्म हो चुकी है, तो इसको हम एक बर्तन में बोल में निकाल लेंगे। बहुत ही सादा और आसान तरीका है ये, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। और ये देखिएगा भी इसके अंदर हम जो चीज़ जाएगी अब वो ये देखिएगा, थोड़ा सा बस इसको हम थोड़ा सा जो ठंडा कर लेंगे, ये अभी गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। बलाई ले ली है मैंने, 1/3 कप ली है, 1/3 कप मैंने ये बलाई ले ली है। और ये मैं एकदम से सारी नहीं डालूंगी, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी कि इसको जो है ना हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है। साथ ही हमने 1/4 कप जो है ना हमने ऑयल लिया हुआ है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम मिक्स करते जाएंगे। इस तरह की हमें ये चाहिए, हो चुकी है जो बुरबुरी सी, ठीक है। ये देखें बुरबुरी सी हो चुकी है ये देखें। और दोनों हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया हमने, ठीक है। अब हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर इसको दोबारा से हम जो है ना इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये पैन ले लिया हुआ है, ये थोड़ा सा भी इसको गर्म नहीं होने देना इस पैन को, ठीक है। इसके ठंडे के ठंडा हो पैन, तो उसके अंदर ही ये शामिल करना है हमने। इसको 5 से 10 मिनट तक हम इसको जो है ना भून लेंगे, लेकिन बिल्कुल स्लो आंच में हमने भूनना है, सिर्फ इसकी जो है ना कच्चापन दूर हो जाए। मैंने 10 से 15 मिनट मैंने इसको भून लिया है। 15 मिनट तकरीबन आप स्लो जो है ना आंच पे अपने इसको जो है ना भूनना, कि तेज़ आंच पे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमने कलर चेंज इसका नहीं करना, हमें ये इसी यही कलर चाहिए, और भून भी जाएगी और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको 15 मिनट इसको हमने पका लिया अच्छी तरह से, अब इसको हम निकाल लेते हैं। और 1/2 कप मैंने ये इसके लिए चास बनाने लगी हूँ। चास बनाने के लिए मुझे जो है ना 1/2 कप ऑयल चाहिए, और ये इसकी हम चास बना लेंगे, ठीक है। घी ले लिया है, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगी। 1/2 कप मैंने चीनी डालनी है इसके अंदर, और इसके अंदर पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना, जितना हमने चीनी डाली है उसी के साथ हम 1 कप जो है पानी डालेंगे। 1 से 2 कप, 1 कप आई थिंक काफ़ी होगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाह, और हमने ये चास जो ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, बस तब तक पकाना है इसको जब तक ये इसके अंदर ये जो चीनी है वो हल ना हो जाए इसकी ना, जब तक वो उधर चास बनती है हमारी। तो हम इधर क्या करते हैं, एक पैन लेंगे और पैन को हम ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से।
और ये हमारी जो है चास जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमने पूरी जो है ना गाढ़ी चास नहीं बनानी, हमने थोड़ी सी रखी इसलिए कि और सूजी जो है थोड़ी सी जो उसके अंदर चली जाए, जूसी जूसी सी हो जाएगी फिर वो। और जैसे ये चास हमारी बिल्कुल तैयार है तो इसके अंदर हम अब डालने लगे हैं सूजी। और इसको हम साथ साथ जो है हिलाते जाएंगे। और आपने ये बिल्कुल नहीं घबराना कि ये शायद अच्छी नहीं बनी, ये बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है ना इसको हम जो है ना बंद कर देंगे कि जितना ये चास के अंदर पक जाएगा ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसको हम 2 से 3 मिनट जो है ना इसको हम कवर करके रखेंगे। और ये मैंने इसको पका लिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। और ये जब देखें ये बिल्कुल इसके साथ थिक हो चुकी है, अच्छी से थिक हो जाए तो फिर आपने इसको जो है ना चूल्हा इसका बंद कर देना है। हम रेडी कर चुके थे इसको, तो ये हम इसके अंदर निकालने लगे हैं। इसके ऊपर हम जो भी हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास खोपरा है, खोपरे को बारीक बारीक काटें, चाहे आपके पास काजू बादाम जिस तरह भी है आप उसके अंदर ये डाल सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब घर वालों को खिलाएगा बहुत ही मज़ा आएगा। और इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है ना वो रेस्ट पर रखेंगे, रेस्ट पर इसलिए रखेंगे कि अच्छी तरह से जब वो थोड़ा सा यक हो जाएगा तो यक होने के बाद अच्छी तरह से ये कट हो जाएगी। ठीक है,